तो उसके बाद कोई होगा। और देखिए पटना की भावना कैसी थी, जब हम लोगों ने तय किया 2016 में कि अभी तत्काल हम लोग बड़े शहरों का नहीं करेंगे, मैंने विदेशी शराब वाला, देसी उसी सब तो बंदे कर दिया था, लेकिन कितना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 5 दिन के अंदर हम लोगों ने कहा कि नहीं सब जगह बंद होगा। तो मतलब अंदरूनी तौर पर तो लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होता है, हम हमेशा बोलते हैं। तो इन सब एक एक चीज़ों पर सजगता है। अब आजकल वो नया चीज़ आया है कि जगह जगह कहीं ये वो देख लिया और उसी को लेकर के वही चर्चा में है। तो हम थोड़ा और कॉन्शस हुए हैं कि भाई जो हम लोग काम करते हैं वो दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में नहीं रहता, लेकिन ये सब घटना दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में छपा है। तो जब हम रोज अखबार बात देखते हैं ना, तो हम उसी पर समझ जाते हैं कि मामला क्या, हमको कुछ बोलना नहीं है कि तब समझ जाते हैं कि कोई मामला हो गया। लेकिन फिर भी किसी भी चीज को पूरे तौर पर गंभीरता से देखना, देख लीजिए ऐसी शंका हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं ध्यान देना, ध्यान देना है कि सचमुच उस इलाके में कोई पी रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, या कोई कहीं पीता भी है तो वहाँ फेंक रहा है, तो नज़र तो रखना ही पड़ेगा। अब तो चारों तरफ जान लीजिए कि सीधे ऐसी कोशिश हो जा रही है कि कोई इस तरह से कोई करेगा ऐसा कोई काम, फेंकेगा तो जानकारी मिल जाएगी और उसकी तस्वीर भी मिल जाएगी, कौन इस काम को कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कहाँ कर रहा है। लेकिन कुछ तो जगह जगह करता है गड़बड़, अब उसके बारे में तो जितनी सजगता होगी और जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से हुई है और हमको पूरा भरोसा है कि फिर इधर जो लगातार काम हो रहा है तो फिर बहुत हद तक ये नियंत्रित हो। हाँ थोड़ा दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके लिए हमारे मंत्री ने भी बात किया, चिट्ठी लिखा, हमारे मुख्य सचिव ने भी लिखा और कल हमने भी बात किया और बात कर कहा कि नहीं हमको आश्वस्त